जिंदगी में ये पांच बातें हमेशा याद रखना। माँ से वफादार कोई नहीं, गरीब का कोई मित्र नहीं, लोग सूरत देखते हैं सीरत नहीं, और इज्जत पैसों की होती है इंसान की नहीं, और जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही आपको सबसे ज्यादा दुख देता है। राधा ने कृष्ण से पूछा कि आपने मुझसे शादी क्यों नहीं की। कृष्ण ने जवाब दिया कि शादी तो दो लोगों के बीच होती है, हम दोनों तो एक है ना। कौन किसका है ये तो वक्त ही बताएगा, तो जितना उसके पीछे भागेगा वो तुझे और भगाएगा। अरे छोड़ ये सब और भाग अपनी मंजिल के पीछे, फिर देखना एक दिन ये कायनात सबको तेरे पीछे भगा। प्यार हमेशा टूटे दिल वालों से करना, क्योंकि टूटे दिल वाले कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा करते। पता है आपको धोखा कब मिलता है, जब आप अपना सब कुछ छोड़कर किसी इंसान को अपना सब कुछ मान लेते हैं और फिर आप अपनी कद्र नहीं करते, और तभी वो इंसान भी आपकी कद्र करना तमाशा बन गई है जिंदगी हमारी। किसी को कुछ बोलो तो भी गलती हमारी, और ना बोलो तो भी गलती हमारी। याद रखना ये चार चीजें कभी किसी को मत बताना। पहला आपकी फैमिली की प्रॉब्लम्स, दूसरा आपका बड़ा प्लान, तीसरा आपकी लव लाइफ, और चौथा आपकी इनकम। बात करने के लिए वक्त और शब्द नहीं बल्कि मन होना चाहिए। यदि मन ना हो तो कितना भी वक्त हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह को गाली पड़े तो हिंदू खुश, भगवान को गाली पड़े तो मुसलमान खुश। अब इन्हें कौन समझाएगा कि पानी और वाटर में फर्क नहीं होता। हम सबको एक ही ने बनाया है और एक ही के पास वापस जाना है। आपने कभी सोचा है कि हमारा क्या है, जन्म दूसरे ने दिया, नाम भी दूसरे ने दिया, शिक्षा भी दूसरे ने दी, काम करना भी दूसरे ने सिखाया, अंत में शमशान भी दूसरे ही ले जाएंगे, फिर हमारा क्या है, फिर इस जिंदगी में किस बात का घमंड। खुश रहने का रहस्य बताऊं, उस चीज पर ध्यान दीजिए जो आपके पास है, उस पर नहीं जो आपके पास नहीं है। यदि इस बात का ध्यान रखोगे तो हमेशा खुश